यहाँ से जो बिहार की धरती से विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा भरी जाएगी हुंकार, उल्टी गिनती वहीं से शुरू। आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मुकाबला, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी होगा। बिहार में विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बैठक से पहले ही कांग्रेस विधायक ने अपने आलाकमान से यह कह दिया है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कांग्रेस के इकलौते विधायक को अपने पाले में कर लिया है। ऐसे में क्या विपक्षी एकता की बैठक संभव है, क्योंकि लगातार विपक्ष में ही टूट देखी जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, किस रूप में देखते हैं बैठक के पहले ही टूट देखी जा रही है? नहीं, इसे टूट नहीं कहा जा सकता है। अभी तो 12 जून की जो बैठक की तारीख है, 12 जून का जो गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान बिहार में होगा, उसका ऐतिहासिक और अद्भुत दृश्य आप लोग अपने कैमरे में भी कैद करेंगे। ये ऐसी एकजुटता होगी, इससे बीजेपी की व्याकुलता उसी दिन से और बढ़ेगी। ये सब जो आप बता रहे हैं भाई, देखिए हर राज्यों में अब जहाँ भी जहाँ हो, बंगाल हो चाहे आप दिल्ली हो, कुछ राज्यों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस से ही मुकाबला है। लेकिन इसके बावजूद आपने ममता दीदी का भी बयान सुना होगा। ममता दीदी ने कहा कि हम वहाँ सेंट्रल में भाजपा को हटाने के लिए हम कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जिस तरह यह देखा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गैर भाजपाई जुटान करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, केसीआर और ममता बनर्जी गैर भाजपाई के साथ साथ गैर कांग्रेसी जुटान में लगे हुए हैं। इस बीच लगता है कि नीतीश कुमार की मुहिम सफल हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी ने तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, सकारात्मक बातें हुई, और इसका सुखद पहलू ये है कि 12 जून को पटना में ही सब लोगों की जुटान होगा, सब लोग हुंकार भरेंगे, और यहाँ से जो बिहार की धरती से विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा भरी जाएगी हुंकार, उल्टी गिनती वहीं से शुरू। आप कह रहे हैं कि जुटान होगी, लेकिन जुटान से पहले तो कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है, केसीआर अलग हो गए हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ रही है। आप जो भी कह रहे हैं वो सब का जवाब 12 जून को मिलेगा। 12 जून का दृश्य आप अपने कैमरे में कैद कीजिए, तब देखिएगा कि कौन क्या, ये अनुमान और कयास जो है बहुत तरह के लगाए जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज 21-22 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं, ये दिख रहा है। अच्छा, जदयू कोटे से आने वाले मंत्री और विधायक कहते हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे बेहतरीन विकल्प है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, आरजेडी क्या सोचती है? अरे, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ही प्रधानमंत्री पद के सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं और चेहरा हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। एक बिहारी होने के नाते सब लोग चाहते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो इसको कई बार खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा विपक्षी एकजुटता का प्रयास जो है वो रंग ला रहा है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम पीएम पद के लिए, पीएम चेहरा बनने के रेस में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं, पूरा बिहार चाहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, चेहरा होते हैं 2024 में, तो इस अपार सफलता मिलेगी। और इनका जो अनुभव है आदरणीय नीतीश जी का, जो इनके पास ऊर्जा है, जो क्षमता है, उसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तय होंगी जब सारे विपक्षी दल के नेता बैठेंगे तो तय हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के मन में है, हम लोगों की इच्छा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। सीधे नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मुकाबला, तो वो
आदरणीय नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी होगा। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां पर बीजेपी बिहार में जनसंपर्क अभियान करने जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक से पहले जरूर कांग्रेस में टूट देखी जा रही है। कांग्रेस की ओर से जो विधायक हैं उसे ममता बनर्जी ने अपने पाले में जरूर कर लिया हो, और कांग्रेस की विधायक ये जरूर कह रहे हों कि आलाकमान को केजरीवाल से दूर रहना चाहिए, लेकिन आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि 12 जून को वह सभी बातें मिथ्या हो जाएगी कि उस वक्त विपक्षी एकता की जो मुहिम है, जो एकजुटता है, वो देखने को मिलेगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।